अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द टेक्रिफ। आज इस वीडियो में जिस मोबाइल डिवाइस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हवावे की मोबाइल डिवाइस है। फाइनली अब हवावे ने हवावे वाई 7P के बाद अपनी कोई और मोबाइल डिवाइस पाकिस्तान में लॉन्च करने वाला है। जिस मोबाइल डिवाइस का बहुत इंतजार किया गया है मगर अब फाइनली इसे पाकिस्तान में लॉन्च करने वाले हैं। ये मोबाइल डिवाइस 21 मई को पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं आज के दिन ही। तो ये वीडियो लॉन्च इवेंट से पहले बन रही है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अभी तक हमें इसकी कोई प्राइस कंफर्म नहीं की गई, पर जो एक्सपेक्टेड प्राइस है जो हमें बताई जा रही है अभी तक, वो ये है कि इसे अंडर 50,000 लॉन्च किया जाएगा। जो इसकी एग्जैक्ट प्राइस होगी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं या फिर आप फेसबुक पे देख रहे हैं। आपको इसकी प्राइस डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जो कि इसके लॉन्च इवेंट के बाद हमें यहाँ पता लगेगी। इस मोबाइल डिवाइस का नाम हवावे नोवा 7i है। नोवा सीरीज एक सेकंड फ्लैगशिप सीरीज है जो कि हमें पी सीरीज के बाद देखने को मिलती है। हवावे नोवा 7i कुछ चेंजेस में लेके आ रही, क्योंकि ये एक मिड रेंज डिवाइस है और हवावे काफी देर से अपने मिड रेंज प्राइस में सिर्फ कैमरा चेंजेस या फिर डिजाइन चेंजिंग कर रही थी। कुछ अंदर से स्पेसिफिकेशन जो हार्डवेयर का आपको देखने को मिलते हैं उसमें चेंज आपको नहीं देखने को मिला था। फाइनली आपको अब इस मोबाइल डिवाइस में हार्डवेयर वाली तरफ भी एक चेंज देखने को मिलेगा। हवावे नोवा 7i नोवा सीरीज के लोअर वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। हवावे नोवा 7i के बारे में बात करते हैं, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दो इस तरह के हैं जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिले हैं, उनकी आगे जाके बात करते हैं और बॉक्स की बात करते हैं। बॉक्स के कंटेंट की बात करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों ने शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज भी हमारा लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बॉक्स की बात की जाए तो बॉक्स आपको बिल्कुल क्लीन देखने को मिलता है। फ्रंट पे हवावे नोवा 7i लिखा गया है, व्हाइट कलर में आपको ये बॉक्स देखने को मिलता है। बैक साइड पे आपको रैपर के नीचे आपको वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है। अनरैप करने के बाद अगर बॉक्स ओपन किया जाए तो बॉक्स पे ऑन फ्रंट आपको मोबाइल डिवाइस देखने को मिल जाती है जो कि प्लास्टिक बैग में है। आगे आपको यहाँ पे फ्लैप देखने को मिल जाता है जिस पे हवावे लिखा हुआ है। फ्लैप के अंदर आपको एक सेमी जेक्टर पिन देखने को मिल जाती है, साथ आपको IMEI स्टिकर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिसपे QR कोड भी बना हुआ है, और साथ फिर आपको यहाँ पे सिलिकन केस देखने को मिलता है और साथ आपको यूजर गाइड देखने को मिल जाती है। अगर सिलिकन केस की बात की जाए तो सिलिकन केस के जो बैक कैमरा सेटअप का डिजाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा कि इस दफा हवावे ने अपना कैमरा सेटअप भी थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पर आपको कैमरा स्क्वायर शेप में देखने को मिलते हैं, साथ नीचे LED फ्लैश अलग देखने को मिलती है। तो ये मोबाइल डिवाइस भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ देखने को मिलती है। साथ इसी आगे बात की जाए तो यहाँ पर आपको हवावे की एक नॉर्मल हैंड फ्री जो होती है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। जो टाइप सी की कनेक्टिविटी है उसका जो अंदर का कलर है वो आपको पर्पल देखने को मिल, टाइप सी कनेक्टिविटी अगर आपको पर्पल कलर में देखने को मिलती है हवावे की तरफ से तो उसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। जो चार्जर आपको देखने को मिलेगा वो भी फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पर आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलता है वो अंडर 50,000 आपको 40 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। आपको अगर दूसरी मोबाइल डिवाइस के मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की अगर बात की जाए तो भाव आपको मैक्सिमम 30 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि रिसेंटली रियलमी के मोबाइल डिवाइस में हमें देखने को मिल रही है। पर ये मोबाइल डिवाइस जो हवावे नोवा 7i है इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स 40 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि एक काफी बड़ा चेंज देखने को मिलता है। आप 40 वोल्ट का चार्जर फ्लैगशिप सीरीज जो कि 1 लाख या फिर उससे ऊपर के मोबाइल डिवाइस उनमें देखने को मिलता है, पर हवावे ने वो चार्जर 40 वोल्ट का वोल्ट का आपको एक मिड रेंज मोबाइल डिवाइस में प्रोवाइड किया। इसके बाद अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो यहां पर आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, साथ आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। और डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की बात की जाए तो यहां पर आपको 1080p की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है, साथ आपको 398 PPI पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलती है, और साथ आपको फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। पर इसको मेंशन नहीं किया गया कि आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 5 भी देखने को मिलती है,
इस चीज को अभी मेंशन नहीं किया गया। अगर इसके बाद इसके कैमरा डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप देखने में, अगर क्वाड कैमरा सेटअप के डिजाइन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो कैमरा सेटअप है आपको वो एक स्क्वायर शेप में देखने को मिलता है और साथ आपको उसके नीचे बॉटम साइड पर आपको एक एलईडी फ्लैश देखने को मिलती है और फ्रंट साइड पे जो आपका कैमरा रखा गया है वो पंच होल में रखा गया है। जो बैक कैमरा आपको मेन देखने को मिलता है वो 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है f1.8 एपर्चर के साथ, जो कि एक वाइड कैमरा है। और जो दूसरा कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है f2.4 एपर्चर के साथ देखने को मिलता है। और जो दूसरा कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा f2.4 एपर्चर के साथ देखने को मिलते हैं। साथ यहाँ पहले रिफ्रेश नीचे देखने को मिल रही है। और फ्रंट साइड पर बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पर आपको पंच होल में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ली जाए तो फ्रंट पर आपको 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पर आप बैक साइड पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 4K 30fps और 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। इसके बाद इसके प्रोसेसर और चिपसेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसमें 2 स्लॉट्स 2.22 गीगाहर्ट्ज की कॉर्टेक्स A75 की देखने को मिलती हैं और 6 स्लॉट्स 1.88 गीगाहर्ट्ज की कॉर्टेक्स A55 की देखने को मिलती है। साथ आपको यहाँ पे जो चिपसेट देखने को मिलता है, फाइनली हुआवे ने अब यहाँ पे चिपसेट जो है अपने मिड रेंज डिवाइसेस का चेंज कर लिया है। जो पहले मोबाइल में से आपको देखने को मिलती थी वहां पे किरण 710 या फिर किरण 710F देखने को मिलता था, जो कि हुआवे के मिड रेंज डिवाइसेस का चिपसेट था। हुआवे अपने मोबाइल ओएस की चिपसेट बहुत देर बाद चेंज करती है, पर जब हुआवे के मोबाइल ओएस की चिपसेट चेंज होती हैं तो उनमें एक काफी बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। तो इसी तरह इस मोबाइल डिवाइस में भी मिड रेंज डिवाइसेस का जो चिपसेट है वो हुआवे ने फाइनली चेंज कर दिया है और जहां पर आपको किरण 710 की बजाय किरण 810 देखने को मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड है। और साथ साथ यहाँ पे भी एक बिग पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हुआवे की तरफ से कि इस मोबाइल डिवाइस की जो प्राइसिंग हमें बताई जा रही है, एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अंडर 50,000 अगर देखा जाए तो कोई भी कंपनी, कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर आपको 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस का चिपसेट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 12 नैनोमीटर या फिर 11 नैनोमीटर या फिर मिनिमम आप देख लें तो वो 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस देखने को मिलते हैं, पर ये मोबाइल डिवाइस आपको 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस के साथ चिपसेट जो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो जीपीयू देखने को मिलता है वो माली G52 का जीपीयू देखने को मिलता है। अगर एंड्रॉयड वेरिएंट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है और EMUI वर्जन 10 देखने को मिलता है, जो कि हुआवे का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एंड्रॉयड 10 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है आपको। ये मोबाइल डिवाइस भी हुआवे Y7P की तरह ही हुआवे की जो अपनी ऐप गैलरी है उसके साथ ही आपको ये देखने को मिलती है। इस मोबाइल डिवाइस में और अगली तमाम मोबाइल डिवाइस में आपको गूगल सर्विसेज अवेल नहीं होंगी। अगर यहाँ पे सिम सिचुएशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलती है। यहाँ पर आप 2 सिम्स या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। जो मेमोरी कार्ड आप यहाँ यूज कर सकते हैं वो हुआवे का नैनो मेमोरी कार्ड है, जो कि आपको पाकिस्तान में नहीं देखने को मिलता, पर जो आपको यहाँ पर वेरिएंट देखने को मिलता है वो 8GB और 128GB का इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट देखने को मिलता है। जो 128GB आपको स्टोरेज देखने को मिलती है वो UFS 2.1 बेस्ड है, तो 128GB के साथ मेरा नहीं ख्याल है आपको साथ मेमोरी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको जरूरत पड़ती भी है तो यहाँ पर आप हुआवे का नैनो मेमोरी कार्ड जो है, जो कि पाकिस्तान में तो आपको नहीं देखने को मिलता पर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वो इसके अंदर यूज होगा। अगर इसके बटन प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो राइट साइड पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि पावर ऑन ऑफ के तौर पर यूज होगा वो देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड पर आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है और बॉटम साइड पर आपको आपके टाइप सी की कनेक्टिविटी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और हेडफोन जैक देखने को मिलता है। और इसके बाद इसके कलर की बात कर लीजिए, यहाँ पे आपको 3 कलर देखने को मिलते हैं, मिडनाइट ब्लैक, आपको शकुरा पिंक देखने को मिलता है। जो तीसरा कलर आपको हमें देखने को मिलता है वो क्रश ग्रीन के नाम से है। आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलती है वो टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है और यहाँ पे बैटरी रखी गई है वो 4200 mAh की बैटरी रखी है, 4200 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है।
इसके बाद इसके ओवर रिव्यू और डिजाइन की बात करेंगे तो बैक पर आपको एक ग्रेडियंट कलर देखने को मिलता है, आपको शकुरा पिंक देखने को मिलता है जिसमें निचले साइड पर एक लाइट ब्लू देखने को मिलता है और ऊपरली साइड पर लाइट पिंक देखने को मिलता है। ये ग्रेडियंट लुक है, निचले लाइट पिंक, लाइट ब्लू से लाइट पिंक आपको ग्रेडियंट लुक यहाँ पे देखने को मिलती है। बाद आपको मैं फिर बताता चलूं कि इस मोबाइल वाइस की अभी प्राइस रेंज हमें कंफर्म नहीं की गई। इस मोबाइल वाइस की प्राइस रेंज जो एक्सपेक्टेड है, जो बताई जा रही है अभी, वो अंडर 50,000 यानी 50,000 से नीचे हुआ किसी भी रेंज में। अगर ये मोबाइल वाइस की कोई भी प्राइस रख सकती है, 50,000 से नीचे रखेगी। जो इसकी एग्जैक्ट प्राइस आपको देखने को मिलेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपके बाबा नो 7 के बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।